नमस्कार, आपके साथ मैं मल्लिका मल्होत्रा। ब्रेकिंग आवर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के निधन की खबर आ रही है। एम्स में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज चल रहा था और अब उनके निधन की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्स में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के निधन की यह बड़ी खबर मिल रही है। एम्स में इलाज चल रहा था। ब्रेकिंग आवर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एम्स में चल रहा था इलाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर मिल रही है। तो दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और इलाज के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अब उनके निधन की खबर आ रही है। ब्रेकिंग आवर में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। गलवान में हिंदुस्तानी शूरवीरों ने चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ी थी। अब हमारे शेर चाइनीज टैंकों की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे सैनिकों के शौर्य के आगे पिछड़ते हुए चीन ने टैंकों के जमावड़े की शुरुआत कर दी है। चुशूल इलाके के स्पागुर गैप में चीन ने अपने टैंक, तोपे और मिसिलिया स्क्वाड को तैनात कर दिया है। चीन किसी भी कीमत पर भारत से उसकी नई पोजीशन छीनना चाहता है, क्योंकि चीन जिन चोटियों पर भारतीय फौज ने कब्जा जमाया है, वहां से LAC तक आने वाला चीन का सबसे बड़ा हाईवे हिंदुस्तान के निशाने पर है। इसी वजह से चीन ज्यादा बेचैन नजर आ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्पांगुर गैप नाम की यही वो जगह है जहां हिंदुस्तान और चीन के सैनिक आमने सामने मोर्चा संभाल चुके हैं। चीन ने स्पांगुर गैप में भारी संख्या में सैनिक, टैंक और तोपों को तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि PLA ने गुरुंग हिल और मगर हिल के बीच स्पांगुर गैप में ये तैनाती 30 अगस्त के बाद से शुरू कर दी थी, जब भारत ने चुशूल के पास पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे की ऊंचाई वाले ब्लैक टॉप समेत कई चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। जब चीन की मंशा पर पानी फिरा और भारतीय चौकियों के बीच ड्रैगन घिरा तो वो बौखला गया। उसने हिंदुस्तान को युद्ध के तेवर दिखाने के लिए स्पांगुर गैप में भारी तादाद में सेना तैनात कर दी है। यह इलाका भारतीय सेना की राइफल रेंज से काफी करीब है। इसके बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। दरअसल चीन की फितरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गलवान में चीन की चालबाजी से वाकिफ भारतीय सैनिक पेंगोंग इलाके में पूरी तरह चौकन्ना है। सावधान रहने का ही नतीजा है कि जब 29 से 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने LAC पार कर भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें घुसने नहीं दिया और खदेड़ दिया। उसके बाद चीनी सैनिकों ने ब्लैक टॉप समेत कई चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो चोटी के ऊपर पहुंचे तो वहां भारतीय सैनिकों को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। अब चीन पेंगोंग इलाके में कमजोर पोजीशन पर है और भारत बेहद मजबूत पोजीशन पर, लिहाजा अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए चीन बड़ी साजिश रच रहा है। अब स्पांगुर पास ऐसा पास है जो कि चाइना के नेशनल हाईवे 229 से जोड़ता है, जो कि सबसे बड़ा उसका नेशनल हाईवे है, और वहां से वो हैवी टैंक्स और आर्टिलरी का मूवमेंट कर सकता है।
अब इस्पेंगोर पास ऐसा ही एक इलाका है जिसके दोनों तरफ पहाड़ी हैं। जैसे आप दाई तरफ देख सकते हैं मेरे, एक पहाड़ी है और उसके दूसरी तरफ बाई तरफ भी एक पहाड़ी है, और ये चौड़ा सा रास्ता एक पास यहाँ से होकर जाता है। ये ठीक सामने आप देख सकते हैं दूसरी पहाड़ी है, इसको कहते हैं एक तरफ है मगर हिल, दूसरी तरफ है गुरुंग हिल। और ये इलाका ऐसा है जहाँ पर टैंक का मूवमेंट हो सकता है, हैवी आर्टिलरी का मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमने उन्हें रोका हुआ है, जो चीन के टैंक है या जो आर्टिलरी सपोर्ट है उसे हमने यहाँ पर रोका हुआ है। और इधर वाली पहाड़ी मगर हिल पर भी और गुरुंग हिल पर भी हमारा कब्जा है, यानी हमारी एंटी टैंक मिसाइल्स के साथ वो निशाने पर हैं। दूसरा, अगर वहाँ से हमारा शुरू होता है तो उसके दूसरी तरफ जो हमारा इलाका है चुशुल की तरफ जाता है, वहाँ पर हमारे टैंक्स और हमारी जो तोप हैं वो तैनात हैं, यानी हम एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों ही साइड से जब टैंक तैनात हैं तो भारत को रणनीतिक रूप से बढ़त कहाँ है? भारत को रणनीतिक रूप से बढ़त है इन दो चोटियों पर, मगर हिल पर और गुरुंग हिल पर, जहाँ से चीन हमारे निशाने पर है। और ऐसी स्थिति कमोबेश पूरी LAC पर है, यानी जो चीन का सबसे बड़ा गैरिसन है मोल्डो गैरिसन, वो भी हमारे निशाने पर है। स्पांगुर गैप में चीनी सैनिकों और हथियारों का भारी जमावड़ा इसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है कि चीन कभी भी भारतीय चौकियों पर हमला बोल सकता है। ऐसे में भारतीय सेना ने भी स्पांगुर गैप में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। टैंक, तोप और एंटी टैंक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। अगर चीन ने अपने टैंकों को LAC से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हिंदुस्तान की एंटी टैंक मिसाइलें ड्रैगन के टैंकों को आग का गोला बना देंगी। नई पोजीशन से भारतीय सेना को हटाने के लिए चीन ने एक और बड़ी साजिश रची है। PLA ने अपनी मिलिशिया स्क्वाड को भी स्पांगुर गैप में तैनात कर दिया है और उसे भारतीय सेना को इन ऊंचाई वाले इलाकों से हटाने या पीछे करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये स्क्वाड PLA की रिजर्व फोर्स है। इसमें ज्यादातर जवान पर्वतारोही, मुक्केबाज और स्थानीय फाइट क्लब के मेंबर्स होते हैं। ये ऊंचाई वाली जगहों पर PLA को मिलिट्री ऑपरेशन में मदद करते हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच 7 सितंबर से बातचीत का सिलसिला जारी है। शनिवार को लगातार 6वें दिन मिलिट्री लेवल की नाकाम बातचीत हुई। बातचीत में ऐसी जगहों से सेना को पीछे हटाने पर चर्चा हुई जहां दोनों देशों की सेना आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करूंगी रमन ममगई, हमारे सहयोगी जो कि लेह से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, चीन ये जानता है कि हमारे सैनिकों के आगे, उनके शौर्य के आगे वो पिछड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा है। चुशूल इलाके के स्पांगुर गैप में चीन लगातार साजिश रच रहा है, अपने टैंक, तोपे और मिशिलिया स्क्वाड को भी तैनात कर दिया अब चीन ने। बिल्कुल मल्लिका, जो चीन लगातार बातचीत की राह अपना रहा है और साथ ही साथ जो अपना फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाता चला जा रहा है, उसके पीछे कहानी ये है कि चीन जब बातचीत करता है तो वो दिखाना चाहता है कि जो भारत जिन चोटियों पर बैठा हुआ है वो वहाँ से पीछे चले जाए, लेकिन वो वहाँ से जाने को तैयार पीछे नहीं होता जहाँ पर वो घुस कर बैठा हुआ है या फिर वो जहाँ आगे बढ़ाया है। तो चीन की यही साजिश रही है, वो हम लगातार उनसे कह रहे हैं कि आप अप्रैल की जो स्थिति है वो बनाइए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन चीन की लगातार ये साजिश रही है, वो 1950 से ही लगातार ये करता रहा है। उसके बाद 1962 की लड़ाई हुई, वो दो कदम आगे आता है और फिर बातचीत करने के बाद एक कदम पीछे चले जाता है। तो इस तरह की वो हरकत लगातार करता रहा है, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से बदल गई है। भारतीय सेना ने जो बातचीत की टेबल है उस टेबल को ही पलट दिया है। हमारे जो जवान हैं, जो हमारी सैनिक हैं, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं और हमें LAC पर बढ़त बनी हुई है, बढ़त मिली हुई है, और इसी बढ़त का फायदा हमें बातचीत की टेबल पर भी मिल रहा है, और इसीलिए बातचीत भी बेनतीजा रह रही है। और इसीलिए जो चीन है वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा की लड़ाई कर रहा है, वो तरह तरह की बातें कह रहा है कि भारतीय सेना सर्दियों में नहीं टिक पाएगी, भारतीय सेना कोरोना से खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता है कि हमारे जो जवान हैं वो जो दुनिया का सबसे ठंडा ग्लेशियर है, जो सबसे ठंडा बैटल ग्राउंड है सियाचिन, वहां पर रहते हैं और वहां के वो अभ्यस्त हैं। तो हम इस टेरेन के लिए बहुत से अभ्यस्त हैं और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। मल्लिका जी, बिल्कुल रमन, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखे, आपके पास लौटते रहेंगे ताजा अपडेट्स जानने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जी हिंदुस्तान का ऐप कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, बता रहे हमारे सहयोगी।